हैं ये तस्वीरें। आपको ये बता दें कि इस वक्त यासीन मलिक की सजा के ऐलान से पहले की तस्वीरें हैं। वहां श्रीनगर में पत्थर मारे जा रहे हैं, ये पत्थरबाजी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आदेश की कॉपी इस तरफ यहाँ तैयार की जा रही है और उधर आसिफ आसिफ करूँ करते हैं। आसिफ बताइए क्या हो रहा है इस वक्त? रुबका देखिए, हम इस समय मैसूमा में थे और पीछे नारेबाजी भी हो रही थी। अचानक से जो यहाँ पे भीड़ जमा थी उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी है और यहाँ पे तैनात जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के जवान टेयर गैस मारकर अब उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी भारी मात्रा में अंदर से पत्थर जो है वो फेंके जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो मीडिया कर्मी है वो अपने आप को बचाने की कोशिश में लगे हैं और यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो अंदर लोग हैं वो पुलिस कर्मियों पर पत्थर फेंक रहे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं आपकी बड़ी संख्या में जो पुलिस कर्मी है वो भी तैनात हो गए हैं और पूरी तरीके से तैयार हो गए हैं और जो अंदर से पत्थर आ रहे हैं आप देख सकते हैं कि जो पत्थर फेंके जा रहे हैं कितने का अंदर जो टियर गैस भी फेंके जा रहे हैं, टियर गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं ताकि जो भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। लेकिन आसिफ आप अंदर अंदर कह रहे हैं, अंदर मतलब अंदर कहां से पत्थर फेंके जा रहे हैं? हमें सड़क दिखाई दे रही है, रास्ता दिखाई दे रहा है, कहां से पत्थर मारे जा रहे हैं? बिल्कुल रुबिका, जो आप भीड़ देख रहे हैं ये उसी गली में है जहां पे यासीन मलिक का घर है, यानी जहां से कैमरा के बाईं साइड से जहां पे ये लड़के पत्थर फेंक रहे हैं यही यासीन मलिक का घर है। और ठीक वहीं पे जो अब से थोड़ी देर पहले तक जो प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी, अचानक से लड़के कुछ बाहर निकल आए और उन्होंने यहां पे तैनात सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों की तरफ पत्थर फेंके। इसके जवाब में भी आप देख सकते हैं कि इस समय टियर गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि जो उग्र हो चुकी भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि जैसे जैसे ये बात सामने आई है कि आपसे थोड़ी देर में फैसला जो है वो सुनाया जाएगा। यहाँ पे जो लोग हैं, जो समर्थक हैं यासीन के, वो सड़कों पे निकल आए हैं और अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है। पहले से ही ये आशंका थी कि इस तरीके के उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं और इसीलिए जो तैनाती थी वो भी कर दी गई थी पूरे मैसूमा इलाके में और पूरे लाल चौक में, लेकिन माना यही जा रहा था कि शायद ये जो प्रदर्शन है नारेबाजी तक ही रहेंगे। लेकिन अब जिस तरीके से पत्थरबाजी हो रही है उसको नियंत्रित करने के लिए जो है टियर गैस के गोले भी फेंके जा रहे हैं जिसका धुआं हमारी तरफ भी आ रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक संदेश है कि आने वाले मैं चाहती हूँ कि आप एक गीला रुमाल कहीं से उसका बंदोबस्त कर ले, क्योंकि वहां पर लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और मुझे आपकी बातों से इस बात का अंदाजा हो रहा है कि आपको बोलने में आप थोड़ी सी तकलीफ होने लगी है। बस मैं आपको कुछ सेकंड का वक्त दे देती हूँ ताकि आप पानी पी ले, वो गीला रुमाल अगर आसपास कहीं हो तो उसका अरेंजमेंट कर ले। लेकिन ये तस्वीरें तब तक एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये मैसूमा का इलाका है, यासीन मलिक का घर है जहां पर पत्थरबाजी की जा रही है, गली है, एक गली से कुछ लड़के निकलते हैं बाहर, वो उग्र हो जाते हैं, पहले नारेबाजी की जाती है और उसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। इस बात का अंदेशा पहले से सुरक्षा कर्मियों को था और इसीलिए उस इलाके में सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई थी। आप बैरिकेड्स देख रहे हैं, सुरक्षा कर्मी पूरी तैयारी के साथ, मुस्तैदी के साथ वहां मैसूमा में मौजूद थे। आप देखिए यहां दिल्ली में यासीन मलिक की सजा पर लिखा जा रहा है फैसला, कोर्ट का जजमेंट लिखा जा रहा है। 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं और उसके बाद एनआईए की कोर्ट फैसले का ऐलान करेगी, यानी सजा का ऐलान करेगी। और दूसरी तरफ श्रीनगर में आप देखिए मैसूमा वो इलाका जहां यासीन मलिक रहता है, वहां पर तमाम तादाद में मौजूद युवा जो हैं, यानी वो समर्थक जो यासीन मलिक के, और मैं फिर बता दूं समर्थक हैं, आप ये नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा इलाका है। यासीन मलिक के जो समर्थक हैं वो हाथ में पत्थर लिए गली में निकल आए और उसके बाद इस पर कंट्रोल लेते हुए सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। वहां पर मौजूद जो मीडिया कर्मी है वो ये बता रहे हैं और खासकर एबीपी न्यूज आसिफ कुरैशी मेरे सहयोगी वहां पर मौजूद है, वो ये बता रहे हैं कि अब आंसू गैस के गोले वहां पर छोड़े जा रहे हैं, दागे जा रहे हैं और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश हो रही है। आसिफ एक बार फिर से आपका रुख करूंगी और ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त वहां पे हालात क्या है, क्योंकि दो तस्वीरें जो वहां से आ रही है वो ये बता रही है कि एक तरफ खुशी है इस बात को लेकर कि जिसने हिंदुस्तान पर वार करने की कोशिश की उस पर अब कानून का चाबुक चलेगा, उसके खिलाफ बाकायदा जुलूस निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ हो रही है पत्थरबाजी।
यासीन के लिए भी प्रदर्शन, यासीन के खिलाफ भी प्रदर्शन, और ये कहीं नहीं जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आसिफ रूपिका, देखिए अब सुरक्षा बलों ने इस पूरे इलाके में अपनी जो कुमक है वो भेज दी है। जो पहले जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो थे वो इस गली में आगे गए जहां पे लड़के पत्थर फेंक रहे थे, और अब जो है अर्धसैनिक सीआरपीएफ के जवान जो है वो इस इलाके में जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पुलिस ने इस पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया है, और अतिरिक्त कुमक भी बुलाई गई है जिसमें गाड़ियां, रक्षक गाड़ियां जो है वो अंदर जा रही हैं ताकि इस पूरे इलाके में गश्त बढ़ा दी जाए। लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे बना हुआ है, अभी भी आंसू गैस के गोलों का और चेरी जो पेपर ग्रेनेड्स हैं उनका धुआं है काफी ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पे टियर स्मोक शेल्स का इस्तेमाल किया गया, और जो थोड़े से जो प्रदर्शनकारी थे जो बाहर आए थे उनको वापस अंदर वाली गलियों में खदेड़ दिया गया है, और सुरक्षा कर्मी जो है इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले रहे हैं। लेकिन अभी भी फैसला नहीं आया है, और फैसला आने से पहले ही इस तरीके का उग्र जो प्रदर्शन हो चुका है उसकी एक झलक यहां पे देखने को मिली, और माना यही जा रहा है कि आने वाले समय में जैसे ही ये जो फैसला है वो सुनाया जाएगा कि फैसला क्या होगा, उम्र कैद की सजा होगी या फांसी की सजा दी जाएगी, उसके बाद किस तरीके के माहौल की आशंका है, किस तरीके के माहौल की संभावना यहाँ पे है, उससे निपटने के लिए अब सुरक्षा बलों ने जो अतिरिक्त कुमक है वो अंदर की सड़कों की तरफ ले गई है। पहले जहाँ जो अंदर प्रदर्शनकारी थे उनको प्रदर्शन करने दिया जा रहा था, सुरक्षा बलों की तैनाती बाहर मेन रोड पे थी, लेकिन जैसे ही अब पत्थरबाजी शुरू हो गई है, जो हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, तो इसीलिए अब पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों की तैनाती अंदर की गलियों में भी कर दी गई है ताकि जो उग्र भीड़ है वो बाहर ना आ सके और बाहर कोई बवाल ना कर सके। लेकिन अभी जिस तरीके का हाल यहाँ पे बना हुआ है, काफी ज्यादा टियर गैस और पेपर गैस का धुआं यहाँ पे मौजूद है जिससे बोलने में भी दिक्कत होती है, लेकिन जो आशंका पहले ही जताई गई थी, आज सुबह से ही ये आशंका जताई जा रही थी कि इस तरीके के उग्र प्रदर्शन हो सकते हैं खासतौर पर मैसूमा इलाके में, ठीक वही देखने को मिल रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से अब इस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है, इसको अपने कब्जे में ले लिया गया है, और जो ड्रोन कैमरा की मदद से आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ ड्रोन कैमरा से भी अंदर वाली गलियों पर नजर रखी जा रही है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि अंदर की गलियों में कई जो प्रदर्शनकारी हैं वो मौजूद तो नहीं हैं, तो उनको नियंत्रित करने की भी यहाँ पे कोशिश हो रही है। रूबिका जी, आसिफ शुक्रिया इन तस्वीरों को एक्सक्लूसिव तौर पर हम तक पहुंचाने के लिए, देश की जनता तक, एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो हालात जो है वहां पर और ज्यादा खराब करने की कोशिश समर्थकों की तरफ से हो रही थी, लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी ने, उनकी तैनाती ने सब कुछ अंदर कंट्रोल कर लिया है। पूर्णिया सिटी जानी ना, पूर्णिया सिटी हाँ शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। आपको पता होगा हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और
पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।